गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं राकेश कुमार सिन्हा बी एस एस गर्ल्स हाई स्कूल मैथ फेस का टीचर हूँ और आज आप लोग के लिए क्या लेके आया हूँ एक जादू का इस तरह का खेल है जादू का कि आप लोग कहीं भी अगर किसी भी वैक्यूम में आप जान जानिएगा दो चार्जेस के बीच में दो आवेशों के बीच में अगर फोर्स कितना लग रहा और वो दूसरे किसी मीडियम में अगर हम उसको डालेंगे तो वहाँ पर उस मीडियम की से परमिटिविटी जान के हम जान जाएँगे कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कहते क्या देखिए लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कुलम लॉ और कुलम्स तो हम लोग पढ़े थे फोर्स इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एफ नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये हम लोग पढ़े थे स्केलर फॉर्म इसका ये ध्यान रखिएगा ये इसका स्केलर फॉर्म है ठीक है इसका जब वेक्टर फॉर्म में आते हैं तो दो चार्जेस है सपोज दैट दिस तरह का और हमको निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मतलब कि एक पर ये प्लस चार्ज है सपोज करते हैं ये भी प्लस चार्ज है दोनों को हम प्लस ही चार्ज लेते हैं मान लेते हैं ये प्लस है ये प्लस है और ये है जो चार्ज नंबर वन है ये चार्ज नंबर टू है और हमको निकालना है फोर्स पहले पर पहले वन लिखे हैं मतलब कि वन पर फोर्स किसके कारण तो टू के कारण ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ठीक है हमको निकालना है कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ठीक अगर हमको ये निकालना है तो हमको करना क्या है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और सेम मतलब ये पूरा का पूरा आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर पाई एफ सील नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यहाँ तक सब सेम रहेगा सिर्फ यहाँ पर इसका डायरेक्शन यूज करेंगे आर हेट और ये वन टू है तो हम टू से वन क्योर ने खींचे इसको इसको हम किधर से किधर खींचे इसको यहाँ से यहाँ खींचे मतलब टू से वन क्योर तो यहाँ लिखेंगे टू वन ये इसका वेक्टर फॉर्म है इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ ठीक है कुलम्स लॉ का सदिश रूप कुलम्स कुलम्ब लॉ का सदिश रूप ठीक है कुलम लॉ का सदिश रूप ये जो था सो अध था स्केलर स्केलर का मतलब अधिस अधिस रूप था इसमें सिर्फ हमको मैग्नीच्यूट मिलता है ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीच्यूट मिलता है जबकि यहाँ हमको मिलता है आर स्क्वायर और आर, आर है कभी कभी आपको इस तरह का ऑप्शन में दे देगा बोले कि इसमें कौन सा कुलम का वेक्टर फॉर्म है उसमें आपको ध्यान रखना होगा हम लोग क्लास इलेवन वे में वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं वेक्टर इक्व टू होता है कोई वेक्टर ए इक्वस्ट टू क्या होता है ए का मैग्नीच्यूट और उसका डायरेक्शन इसका मतलब अगर ए का डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या होगा ए वेक्टर इक्व टू ए का मोड बाय दिस अगर निकालना हो तो क्या ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मोड यही ना होगा अगर एक्शन निकालना होगा तो मतलब अगर हम इसको आर को इस तरह से काम करें तो क्या हो जाएगा आर का हेट इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मोड इसको हम रिप्लेस करते हैं इसमें तो हमको क्या मिलता है वन बाय फोर पाई एफ नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर जिसका तस और आर हैट की जगह पर लिखेंगे आर वेक्टर बाई आर का मोड तो आर का मोड के लिए हम इससे लिखने की जरूरत नहीं है ठीक ना इसको सीधा हम लिखे आर टू वन और इसको क्या करते हैं फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वन बाई फोर पाइ सीलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब आर वेक्टर टू वन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा इसको ठीक है ये हमको क्या दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल का मैग्नीटूट और ये दिशा ठीक है ये पूरा वेक्टर फॉर्म में हमको मिल गया अब करते क्या हम यहाँ पर जो काम किए थे हम दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में हम एयर को रखे थे ठीक ना दोनों के बीच में हवा को अब हवा नहीं रखे कुछ और रखे तब क्या होगा मैग्नीच्यूट में चेंजिंग होगा सिर्फ डायरेक्शन में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हम कूलम्स ला के सिर्फ मैग्नीट्यूट में काम तब करते हैं जब एक बार हवा रखते हैं और एक बार कोई और दूसरा चीज़ सपोज दैट पानी रखते हैं दोनों चार्जेस को पानी में डुबा देते हैं जब हम लोग ऐसा करते हैं हवा और पानी वाला काम तो क्या होता है बीच का मीडियम जो है सो चेंज हो जाता है और बीच का मीडियम जब चेंज हो जाता है तो हम लोग जब कुलर स्टॉप पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग वन बाई फोर पर एफ नॉट का वैल्यू पढ़े थे नाइन इंटू टेन टू तो द पावर नाइन और वो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाता है और वहाँ पर एफ्सीलर नॉट के ऊपर कुछ और आ जाता है कैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर दो चार्जेस है प्लस प्लस यहाँ भी दो चार्जेस है प्लस प्लस दोनों को सेपरेट कर दिए हम अलग अलग कर दिए और यहाँ पर बीच में रख दिए हवा और जबकि यहाँ पर बीच में रख दिए पानी इसका अभी भी वही है क्यू वन है क्यू टू है ये भी क्यू वन है ये भी क्यू टू है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सो सेंटर टू सेंटर लेते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये जो बीच का जो डिस्टेंस है सो आर है इसमें भी और इसमें भी जो बीच का डिस्टेंस है सो आर है ठीक है ध्यान रखिएगा अब क्या करते हैं हम दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मैगनी निकालते हैं वन बाय फोर पाई सील नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इसको ध्यान रखिएगा एकदम और इसमें भी निकालेंगे तो वन बाय फोर पाई एफ नॉट ये क्या चीज में है तो एयर में है और ये क्या है तो वाटर में है मतलब कोई अलग मीडियम में वाटर का मतलब कोई अलग मीडियम पानी या कोई और अन्य मीडियम माध्यम ठीक ना अन्य माध्यम में तो यहाँ पर ए आर लिखे हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं माध्यम करते हैं मीडियम ठीक है वन बाई फोर पर यहाँ एफ्सीलन नॉट नहीं लिख करके क्या लिखते हैं एफ्सीलन ध्यान रखिएगा इसको हम लोग एफ्सीलन पढ़ते हैं एफ्सीलन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर अभी एफ्सीलन है क्या एफ्सीलन क्या मेरे पास कंडीशन आता है तो हम लोग यहाँ पर एफ्सीलन लिखते हैं क्या है उसको आगे देखते हैं अभी अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हमको एफ मीडियम भी मिल गया एफ एयर भी मिल गया यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उम्मीद करते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं इस हवा को जो एयर में बात कर रहे थे ये एयर का और वैक्यूम का लगभग सेम होता है तो हम हवा को हटा करके निर्वात डाल देते हैं ठीक है और यहाँ लिखते हैं वैक्यूम क्योंकि एक्चुअल वैक्यूम को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं क्योंकि एबसिलन नॉट जो होता है वो एक्चुअल में वैक्यूम का परमिटिविटी होता है ठीक है तो हम वही परमिटिविटी में आ गए वैक्यूम का परमिटिविटी लेके यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन वन बनाते हैं और इसको इक्वेशन टू बनाते हैं और लिखते हैं वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है कोई दिक्कत नहीं और चूंकि अब यहाँ तक कि कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे थे तो इसको अलग कर देते हैं और यहाँ से सेपरेशन को हटा देते हैं फिलहाल अब वन को हम क्या करते हैं टू से डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम इक्वल्स टू वैक्यूम का कितना है वन बाई फोर पाई एफ सीलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इसका भी वन बाई फोर पाई एफ सीलन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर देखिएगा ध्यान दिए सब कट जाएगा फोर पाई फोर पाए लेकिन ये बच जाएगा पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एफ बाय एफ नॉट ठीक है बाय नॉट। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एफसिलन आर एफन आर का मतलब यहाँ पर आर लिखे हम ठीक है और इसका नाम है आपका जहां एफसिलन आर है क्या रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि हम किसी भी चीज का माध्यम का हम लिये थे माध्यम का परमिटिविटी एफन क्या है यहां पर माध्यम का परमिटिविटी है एपसीन क्या है तो माध्यम का परमिटिविटी ठीक है ये वाला है तो माध्यम में परमिटिविटी बाई वैक्यूम परमिटिविटी हमको क्या देता है रिलेटिव परमिटिविटी और देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एफ वैक्यूम अगर हम एफ वैक्यूम जान रहे हैं और एफ मीडियम जान रहे हैं इज इक्वल्स टू एफ सिलन आर ये देख देखिए ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला बन गया हमको अगर हम एफ्सिलन आर एफ सिलन आर है ठीक ना इसको अच्छा से लिख देते हैं हम थोड़ा सा एफ सिलन आर अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी जानते हैं किसी माध्यम का और वैक्यूम में या मीडियम में किसी भी एक जगह हम उसका फोर्स जानते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा दूसरा फोर्स हमको मिल जाएगा जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जानगे एफ वैक्यूम इक्वल्स टू एफ सीलन आर इंटू एफ मीडियम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए वैक्यूम इक्वल्स टू या तो अगर हमको निकालना है एफ मीडियम निकालना है तो एफ वैक्यूम बाई एफ आर तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हम बोले किसी चीज़ में बल लग रहा है कोई माध्यम में है आ, कोई माध्यम का परमिटिविटी थ्री बाई फोर है मान लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी थ्री बाई फोर मान लेते हैं और आपको हम बोले कि रिलेटिव परमिटी थ्री बाई फोर है और किसी वैक्यूम में ए वैक्यूम का वैल्यू है आपका थ्री इंटू टेन इनवर्स टू न्यूटन सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं तो आपसे पूछे कि बताइए कि, कि किसी मीडियम में जिसमें हम डालेंगे वो मीडियम में कितना फोर्स तक जाता है ए मीडियम इक्वस्ट टू क्या है ए वैक्यूम मतलब थ्री इंटू टेन यूनवस टू बाई थ्री बाई फोर फोर ऊपर चला जाएगा थ्री थ्री कट जाएगा मतलब फोर इन टू टेन इन टू तो इसमें याद क्या रखना है कि किसी भी मीडियम में फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का वन बाई एफ सीलन टाइम्स होता है ठीक ना जो हम बोले उसको हम स्टेटमेंट में यहाँ लिख दे रहे हैं ये ध्यान रखिएगा हम बोले आपको कि किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स एफ मीडियम एफ वैक्यूम के वन बाई एफ आर गुना होता है ठीक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है फिर टू मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता है और उससे फिर सॉल्व भी किया जाता है आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है यहाँ तक आपका कुलम स्टॉव तक हम बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं अब कुलम स्टॉक के आगे में आते हैं थोड़ा सा ठीक है मेरा बहुत सारा वीडियोज़ भी है कंपटीशन लेवल का भी तो कंपटीशन लेवल का वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ठीक है और वहाँ पर अगर आप इसको जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी हम कोई चीज़ लोड करेंगे तो आपको वो मिलते भी रहेगा ठीक साथ साथ एक चीज़ और बोलते हैं कि कंपटीशन में जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल का करना चाहते हैं उसके लिए भी इसमें वीडियोस लोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके तो इस चैनल पर आपको उसका ही वीडियो मिलते रहेगा किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा नाइन फोर सेवन वन सेवन सिक्स फोर नाइन वन दिया हुआ है अब हम क्या करें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा टारगेट है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में ठीक है आप इसके लिए जिस तरह से भी चाहिए जितना भी हेल्प चाहिए हम लोग हेल्प के लिए यहाँ तैयार हैं हमें ऊपर से यही है सभी जगह निर्देश है और हम खुद भी ऐसा चाहते हैं टीचर कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई के दौरान तो हम लोग आते हैं अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एफ़ आई एल डी मतलब विद्युत क्षेत्र ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं यहां पर एक चार्ज लेते हैं, हैं पॉजिटिव चार्ज अभी पॉजिटिव चार्ज को आसपास यहाँ पर हम दूसरे चार्ज को एक टेस्ट चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट और ये वो चार्ज लिए Q अब यहाँ जब इतनी दूरी पर है ये इतनी दूरी पर तो इसका कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा कोई बल इसके कारण इस पर कोई बल नहीं लग रहा ठीक अब क्या करते हैं इसको उठा करके हम धीरे धीरे इधर की ओर लाते हैं यहाँ लाए नहीं लगा यहाँ लाए नहीं लगा जब यहाँ लाए तो लगना स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया इसका मतलब है कि इसका जो प्रभाव है वो यहीं तक है इसके आगे नहीं है ठीक है ना इसके आगे इसका प्रभाव नहीं है जहाँ पर इसका प्रभाव नहीं है वो यहाँ तक इसका पहुँच नहीं है अब पहुँच नहीं है तो हम लोग बोले कि ये इसके लिए अनंत है ठीक है इन्फिनिटी है अनंत है और यहाँ तक मतलब यहाँ लग रहा है इसका मतलब इस दूरी पर आ त्रिज्या का हम एक ठो वृत्त खींचते हैं इस तरह का तो इस वृत्त में इस चार्ज को हम कहीं भी रखेंगे तो वो इसके क्या उस पर फोर्स लगेगा ठीक है इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसलिए हम कहते हैं कि यह जो है इसका क्षेत्र है यह इसका क्षेत्र है और इसका क्षेत्र कैसा क्षेत्र है आवेश का क्षेत्र है मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैपिटल से हम लोग डिनोट करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र अब देखिए इसको जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे इस पर अधिक से अधिक बल लगेगा जैसे जैसा चुंबक का कैसे प्रयोग करते हैं कि चुंबक अगर दूर दूर है चुंबक अगर दूर दूर है कोई तो धीरे धीरे कम बल लग रहा है लेकिन इसको जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो इसमें बल लगने का जो अथी होगा मात्रा जो होगा वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा फिर बहुत नज़दीक लाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगा इसका मतलब कि जैसे जैसे इस चार्ज को हम नज़दीक लाएंगे पहले यहाँ था फिर यहाँ लाएँ फिर यहाँ लाएँ फिर यहाँ लाए फिर यहाँ इसे बल बढ़ते जाएगा इसके कारण जो बल लग रहा था उस पर वो बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा मतलब क्यों बढ़ रहा है क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र अधिक है ठीक है इसका प्रभाव क्षेत्र अधिक आते जा रहा है मतलब ज़्यादा प्रभावित हो रहा है ये पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहा उसको। है उसको ठीक है तंग कर रहा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पर वैल्यू अलग है ई का यहाँ पर ई का वैल्यू अलग है यहाँ पर ई का वैल्यू अलग है इसका मतलब सभी जगह ई का वैल्यू अलग अलग है इसके क्षेत्र में भी ये क्या चीज़ होता है कौन सा वैल्यू ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इलेक्ट्रिक तो फील्ड एक जगह है बस तो उसका हम लोग क्या करते हैं तीव्रता निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ कितना है यहाँ कितना सभी जगह तो उसको हम लोग कैपिटल ई सब मेनली हम लोग उसी को डिनोट करते हैं ई भी डिनोट करते हैं फील्ड को लेकिन मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युतीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता ठीक है ये हम लोग निकालते हैं ये सभी जगह अलग अलग होता है और जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाता है जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे घटते जाता है ठीक है उसका प्रभाव घटते जाता है बहुत दूर दूर पर चुंबक रहते हैं तो कोई प्रभाव पड़ता है नहीं जैसे जैसे नहीं हल्का पड़ा हल्का पड़ा हल्का पड़ा हल्का पड़ा जब नज़दीक लाइएगा तो और तेज होते जाएगा तेज होते जाएगा इसका मतलब जैसे जैसे नजदीक लाते हैं विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उसका बढ़ते जाता है तीव्रता तो इसको हम लोग निकालने का काम करते हैं अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कहता है कि टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज है तो यूनिट चार्ज तो हम लोग निकालते क्या है ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू जब भी हम लोग को निकालना रहता है तो निकालते कैसे हैं एफ बाई क्यू नॉट ई पर देखिए हम एरो मारे हैं एरो मारे इसका मतलब इसका एक क्या है कि ई e हमको दिख रहा है कि प्लस इसमें अलग अलग जगह पर एक लाइन पर चल रहा है ई e का वैल्यू जैसे ई e यहाँ पर कोई चार्ज हम लोग रखे हैं प्लस चार्ज सपोज करते हैं तो इसका एक फिक्स निश्चित दिशा होगा इस तरह का इसका मतलब इसके पास दिशा भी है और मान भी है इसका मतलब ये क्या है एक सदिश राशि है एक सदिश इसलिए ई को हम लोग ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि एफ पर एक स्केलर से भाग पड़ रहा है स्केलर है कौन सा तो टेस्ट चार्ज इसलिए इक्वल्स टू फोर्स बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है अब रहा इसका डेफिनेशन कि हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कभी कभी ऐसे पूछता नहीं नॉर्मली लेकिन अगर कहीं पूछे कि विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं हम लोग तो आप सीधा बोलिए किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उस चार्ज के कारण जहाँ पर उस चार्ज के कारण दूसरा टेस्ट चार्ज दूसरा मतलब कोई टेस्ट चार्ज किसी भी तरह का फोर्स अनुभव करता है बल अनुभव करता है उसको हम लोग उसका विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं और तीव्रता किसको कहते हैं तो उस क्षेत्र में लगने वाला बल को प्रति इकाई आवेश जब हम माफ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इसका तो यह क्या है यह है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मतलब बल पर यूनिट प्रति इकाई आवेश प्रति इकाई आवेश हमारे पास फॉर्मूला मिलता है मतलब बल प्रति इकाई आवेश जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया उम्मीद करते यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगता है फिर उसका दिशा क्या होता है वो किधर से किधर जाता है प्लस चार्ज के लिए क्या होता है माइनस चार्ज के लिए क्या होता है सारे चार्जेस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उस पर आपको हमेशा क्वेश्चन आता है हर साल आता है इसलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे वीडियो को पॉज करके दो बार तीन बार देख करके अच्छे से और उसमें देखिएगा कहाँ कहाँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जहाँ नहीं आएगा इस WhatsApp पर आप उस मुझे मैसेज कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए तो अपना ध्यान रखिए टेक केयर गुड बाय